इन कराची स्पेशली वी कैन बाय एनीथिंग एनी टाइम बट नॉट अ गुड हाइजेनिक फूड वेदर इट्स कुक्ड और अनकुक्ड और खास तौर पर उन लोगों के लिए तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है जो डाइट एंड हेल्थ कॉन्शियस है। मल्टीपल बिजनेसेस होने की वजह से मेरी ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा है। आउट ऑफ कंट्री स्पेशली जब मैं उनके स्टैंडर्ड्स देखता हूँ तो आई फील पिटी फॉर माई सेल्फ कि मेरे मुल्क में ये सारे स्टैंडर्ड्स क्यों नहीं है और मुझे ये सब कुछ क्यों नहीं मिलता। हाल ये है कि हम ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स से आगे कुछ जानते ही नहीं हैं। और फिर मैं लग गया जमीन ढूंढने के मिशन पे क्योंकि मुझे ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जमीन चाहिए थी और वो भी कराची में। इन 2008 अराउंड 200 एकर्स लैंड मुझे मिली फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग और मैं फिर लग गया उस मिशन पे। इट टुक मी 10 इयर्स टू रीच वेयर आई एम टुडे। ये पाकिस्तान का पहला इको एनवायरमेंटल फ्रेंडली फार्म है वेयर आई कैन कीप मोर देन 2000 कैटल विदाउट यूजिंग एनी कंक्रीट कंस्ट्रक्शन बाउंडेड विद द लश ग्रीन ट्रीज एंड ऑर्गेनिक चिकन आर केप्ट इन लिविंग क्वार्टर्स विदाउट एनी हार्मोनल ट्रीटमेंट। अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीटली इको फ्रेंडली फार्म। यहाँ मैं ऑर्गेनिक फोडर एंड वेजिटेबल्स उगा रहा हूँ बगैर किसी केमिकल फर्टिलाइजर। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का मैं वाहिद इको फ्रेंडली फार्मर हु एग्जीक्यूटेड हिज विजन अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड्स।